द वॉशर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी डर्टी ग्रैंडपा। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं बहुत सारे लोग एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर डिक कैली की वाइफ के फनेरल को अटेंड करने आए हुए रहते हैं। वहीं फनेरल में हम जेसन को भी देखते हैं जो डिक कैली का ग्रैंडसन रहता है और उसे अपने ग्रैंडपा के लिए बहुत अफसोस हो रहा होता है कि वो अब अपनी लाइफ में अकेले रह गए हैं क्योंकि जेसन के पिता और उसके ग्रैंडपा में कुछ खास नहीं बनती थी और बाकी सभी लोग भी उनके बिहेवियर की वजह से उनसे दूर ही रहना पसंद करते थे। इसी बीच ग्रैंडपा जेसन के पिता से जेसन को अपने साथ फ्लोरिडा ले जाने की इजाजत मांगते हैं क्योंकि उनका ड्राइवर छुट्टी पर गया रहता है और उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी हाल ही में फेल हो गया रहता है। पर जेसन के पिता ग्रैंडपा को यह कहकर मना कर देते हैं कि जेसन की एक हफ्ते में शादी होने वाली है तो वो उसे उनके साथ नहीं भेज सकते। अपने बेटे की बात सुनकर ग्रैंडपा उदास हो जाते हैं और जेसन से उनकी ये उदासी देखी नहीं जाती, जिसके बाद जेसन अपने डैड से कहता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो ग्रैंडपा को फ्लोरिडा लेकर जाएगा और रही बात शादी की तो वो शादी से पहले वापस आ जाएगा। जिसके बाद अगले दिन सुबह होते ही जेसन अपने ग्रैंडपा को पिकअप करने उनके घर पहुंच जाता है और वहां का नजारा देखते ही जेसन की रूह कांप जाती है। वो देखता है कि बूढ़ों टीवी पर फोन लगाकर अपना हैंडल चला रहे होते हैं और जेसन को बूढ़ों का एक अलग ही कैरेक्टर देखने को मिलता है। जेसन को हैरान देखकर बूढ़ों उससे कहते हैं कि वो अब आजाद हो चुके हैं और उसकी ग्रैंडमा ने उनसे खुद कहा था कि उनके जाने के बाद वो अपनी जिंदगी के बचे हुए सारे अरमानों को पूरा करें, तो अब वो ऐसा ही करने वाले हैं और फिलहाल उनका पहला अरमान यही है कि वो सेक्स करना चाहते हैं। बूढ़ों की करतूतों को देखकर जेसन सदमे में रहता है और उसे लगता है कि ग्रैंडमा के जाने के बाद बूढ़ों सेठिया गए हैं। इसके बाद रास्ते में जब ये लोग एक जगह पर रुक कर लंच कर रहे होते हैं तब जेसन को अपनी एक पुरानी दोस्त सादिया मिलती है जो उसके साथ बहुत पहले फोटोग्राफी क्लास में थी और उसके साथ उसके दोस्त लेनोर और ब्रैडली भी रहते हैं, जिसे देखते ही बूढ़ों लेनोर पर लाइन मारना शुरू कर देते हैं और उन्हें झूठ कहकर इम्प्रेस भी कर लेते हैं कि वो एक प्रोफेसर है और जेसन एक फोटोग्राफर, जबकि जेसन अपने फोटोग्राफी की हॉबी को छोड़कर अपने पिता के कहने पर लॉयर बन गया रहता है। पर क्या फर्क पड़ता है, इस झूठ की वजह से लेनोर बूढ़े से सेट हो जाती है क्योंकि वो जिस जगह से आई हुई रहती है वहाँ की लड़कियों को बूढ़े ज्यादा पसंद आते थे। और इसके बाद लेनोर जेसन और बूढ़ों को अपने साथ फ्लोरिडा बीच पर आने के लिए इन्वाइट करती है पर जेसन उसे यह कहकर मना कर देता है कि वो गोल्फ खेलने जा रहे हैं। जेसन के मना करने पर बूढ़ों का सारा मूड खराब हो जाता है पर फिर भी बूढ़ों हार नहीं मानते। वो गोल्फ खेलते वक्त भी अपनी बातों से वहाँ की दो लड़कियों को पटा लेते हैं पर जेसन यहाँ भी उनके सारी मेहनत पर पानी फेर देता है, जिसके बाद बूढ़ों जेसन को इतना परेशान करते हैं कि जेसन को लास्ट में हार मानना पड़ता है और उन्हें लेनोर की बीच पार्टी में लेकर जाना पड़ता है। पर वहाँ पहुंचकर बूढ़ों देखते हैं कि वो अकेले इस रेस में नहीं थे। लेनोर और सादिया के दो और दोस्त कोडी और ब्रा भी उन पर ट्राई मारने आए हुए रहते हैं पर अपने बूढ़ों भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो अपने कॉम्पिटिशन खत्म करने के लिए बियर पार्टी में कोडी के बियर में ड्रग्स मिलाकर ले आते हैं पर जेसन यहाँ भी बूढ़ों के प्लान को फेल कर देता है। दरअसल जेसन गलती से खुद उस ड्रग्स वाली बियर को पी लेता है और नशे में भंड होकर अलग ही लेवल पर मस्ती करने लगता है। वहीं एक आदमी और रहता है पैम, जो फ्लोरिडा का नंबर वन ड्रग सेलर रहता है। वो जेसन को अपना बेस्ट ड्रग फुकवाता है, जिसके बाद जेसन इतना हाई हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। जेसन आधी रात में नंगा किसी और की बाइक लेकर सड़कों पर निकल जाता है और जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को बीच के किनारे पाता है और एक बच्चा उसके पास आता है उसके साथ खेलने पर उसके लंगे होने की वजह से उस बच्चे के बाप को लगता है कि जेसन कोई चाइल्ड मोलेस्टर है तो वो सीधे पुलिस को कॉल कर देता है और जेसन अरेस्ट हो जाता है। और जेसन की किस्मत इतनी खराब रहती है जो पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं वो सबसे बड़े चोमू रहते हैं, जिस वजह से जेसन जब उनसे कहता है कि वो एक लॉयर है तो वो उसकी बात सुनने के बजाय वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे जेसन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जिसके बाद जब बूढ़ों उसका बेल करवाकर उसे बाहर निकालते हैं तो जेसन उनसे कहता है कि वो अब एक पल भी उनके साथ नहीं रुकना चाहता और अब वो उन्हें उनके दोस्त के पास छोड़कर वापस घर जाने वाला है। जेसन को देखकर बूढ़ों समझ जाते हैं कि इस बार उन्होंने जेसन को सही में कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है पर जेसन का मूड खुद शांत हो जाता है जब वो बूढ़ों को उनके दोस्त के पास लेकर जाता है। दरअसल जेसन वहाँ देखता है कि बूढ़ों का दोस्त अपनी लाइफ के आखिरी स्टेज पर है और कभी भी मर सकता है। जिसके बाद जब वो बूढ़ों से बात करने आता है तो बूढ़ों जेसन को अपने बिंदास बिहेवियर का कारण बताते हैं कि वो बहुत डरे हुए हैं अपने आसपास के उम्र वाले लोगों को एक एक करके मरता देख और वो इस डर में अपनी बची कुची जिंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं। बूढ़ों की बात सुनकर जेसन इमोशनल हो जाता है और उसे बुरा फील होने लगता है कि उसने बूढ़ों से कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से बात कर ली पर तभी बूढ़ों उसे फिर से छेड़ना शुरू कर देते हैं ये कहकर कि उन्हें लेनोर के साथ सेक्स करने की अपनी आखिरी इच्छा को पूरी करनी है। लेकिन इस बार जेसन बूढ़ों की बातों का बुरा नहीं मानता और उन्हें वापस बीच पर लेकर जाता है और इस बार बीच पर कॉन्सर्ट चल रहा होता है जिसमें कोडी और ब्रा जेसन और बूढ़ों को अपने साथ कम्पीट करने के लिए चैलेंज कर देते हैं तो बूढ़ों उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने साथ जेसन को भी शामिल कर लेते हैं और दोनों मिलकर कोडी और ब्रा को कड़ी टक्कर देते हैं। पर जेसन जब देखता है कि सभी लोग उनकी फोटो खींच रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर डालने वाले हैं तो जेसन डर जाता है कि वो फोटोज मैरी डेथ देख लेगी और उससे लड़ने लगेगी क्योंकि उसने मैरी डेथ से सारी बातें छिपाकर रखा होता है। जिसके बाद जेसन स्टेज से नीचे उतर जाता है और वो कॉम्पिटिशन हार जाते हैं, जिसके बाद कोडी और ब्रा जेसन और बूढ़ों का मजाक उड़ाने लगते हैं पर वो भूल जाते हैं कि बूढ़ों क्या चीज है और वो क्या कर सकते हैं।
पर इसका अंदाजा उन्हें तुरंत हो जाता है क्योंकि अपना मजाक उड़ता देख बुढ़ो चिढ़ जाते हैं और गुस्से में उसी वक्त एक हथियार बनाकर एक बियर कैन से उन दोनों को जख्मी करके हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। और उन्हें अपने रास्ते से पूरी तरह से हटाने के बाद बुढ़ो जेसन के साथ उन दोनों लड़कियों के साथ क्लब जाते हैं। पर जब ये लोग वहाँ मस्ती कर रहे होते हैं तभी वहाँ के कुछ लोकल गुंडे ब्रैडली को उसके गे होने की वजह से उसे छेड़ने लगते हैं। लेकिन अपने बुढ़ों के पहुंचे हुए खिलाड़ी रहते हैं, वो लड़कियों के सामने अपना इंप्रेशन जमाने का मौका नहीं छोड़ते थे और यहाँ भी वो वैसा ही करते हैं। वो सभी गुंडों को क्लब के बाहर ले जाकर अकेले बहुत मारते हैं जिससे दोनों लड़कियां तो इंप्रेस होती हैं, साथ में वो गुंडे भी बुढ़ों के जलवों को देखकर फैन बन जाते हैं और फिर सभी साथ मिलकर पार्टी करते हैं। इसी बीच बुढ़ों के साथ इतने वक्त रहने पर और साधिया से मिलने के बाद जेसन को रियलाइज होता है कि वो गलत लड़कियों के साथ शादी कर रहा है क्योंकि उसे कुछ ही पल में जितनी खुशी मिली है और जो उसने फील किया है वो मेरीडिथ के साथ कभी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद जेसन ये सारी बातें बुढ़ों के साथ शेयर करता है तो बुढ़ों भी जेसन को एक बात बताते हैं और वो ये कि उनका असली मकसद उसे अपने साथ लाने का यही था कि वो खुद भी नहीं चाहते थे कि वो मेरीडिथ से शादी करे क्योंकि उन्हें पता है कि एक गलत फैसला उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है और वो ये गलती उसे नहीं करने देना चाहते थे। और वो अपनी भी एक गलती सुधारना चाहते थे, वो ये कि जवानी में वो अपने काम की वजह से एक अच्छे बाप नहीं बन पाए पर वो एक अच्छे ग्रैंडपा बनने की कोशिश जरूर करना चाहते हैं। बुढ़ों की बात सुनकर जेसन को बुढ़ों से और ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, पर तभी उसे एक और बात रियलाइज होती है कि उसने अभी तक साधिया को अपनी असलियत नहीं बताया है कि वो एक फोटोग्राफर नहीं बल्कि एक लॉयर है। तो जेसन की बात सुनकर बुढ़ों उसे कहते हैं कि उसकी बात सही है पर वो चाहते हैं कि वो अभी सभी को सच्चाई ना बताए क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो सच्चाई जान कर लेना और उनके साथ सेक्स नहीं करेगी। बुढ़ों की बात सुनकर जेसन फिर से बह जाता है कि बुढ़ों अभी भी अपने हवस मिटाने के चक्कर में है। लेकिन जेसन ठान चुका होता है कि वो साधिया को सारी सच्चाई बता कर रहेगा और इसके लिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है और बुढ़ों से रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं। पर साधिया के कमरे में पहुँच कर ये दोनों देखते हैं कि कोडी और ब्रान है उनसे दुश्मनी निकालने के लिए उनकी सच्चाई पहले ही सभी को बता दी है और उन्होंने साधिया को ये भी बता दिया है कि जेसन की जल्दी ही शादी होने वाली है, जिससे साधिया बहुत हर्ट होती है और जेसन से बात नहीं करना चाहती। पर कोडी और ब्रान यही नहीं रुकते, वो जेसन के कोर्ट में ड्रग्स डालकर पुलिस को बुला देते हैं जिससे जेसन दोबारा पकड़ा जाता है और इस बार वो सभी चीजों से सीरियसली फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जिसके बाद जब बुढ़ों उसका बेल करवाते हैं तब वो जेल से निकलकर तुरंत वापस घर लौट आता है, पर वापस आकर उसका मन बिल्कुल नहीं लगता और मेरीडिथ की हरकतों को देखकर उसे रियलाइज होता है कि मेरीडिथ सच में उसके लायक नहीं है। पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो शादी से मना कर पाए, पर वो भूल गया रहता है कि उसकी जिंदगी में अब बुढ़ों भी आ चुके हैं जिन्हें उसकी सारी पसंद नापसंद के बारे में भी पता चल चुका होता है। जिसके बाद जब जेसन की शादी हो रही होती है तब बुढ़ों सभी के सामने जेसन की उन फोटोज को प्ले कर देते हैं जब वो उनके साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। जिसके बाद जेसन में भी हिम्मत आ जाती है शादी ना करने की और यहाँ हमें मेरीडिथ के लिए जेसन ही बुरा लगने वाला होता है कि बेचारे के साथ गलत हुआ। तभी मेरीडिथ फ्रस्ट्रेशन में आकर सभी को एक सच्चाई बता देती है और वो ये कि जब जेसन बुढ़ों के साथ घूमने गया था तब उसने उसके कजिन के साथ सेक्स किया था। जिसके बाद जेसन बुढ़ों के साथ साधिया को ढूंढने निकल जाता है और साथ ही इस बार जेसन की मदद करने बुढ़ों के साथ तो उसके डैड भी मौजूद रहते हैं और सभी मिलकर जेसन को साधिया से मिलवा ही देते हैं। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। बुढ़ों जब सारा काम निपटाकर वापस घर आते हैं तब वो देखते हैं कि लेनोर उनका वहाँ पहले से ही इंतजार कर रही है। जिसके बाद बुढ़ों को भी फाइनली सेक्स मिल जाता है और खास बात ये रहती है कि कुछ टाइम के बाद बुढ़ों और लेनोर का जेसन और साधिया से पहले एक बेटा भी हो जाता है और बुढ़ों इस मामले में भी जेसन को पीछे छोड़ देते हैं और फाइनली मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।